हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल ग्रुप। आप सब लोग कैसे हैं दोस्तों? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, गवर्नमेंट ने इस 59 एप्लीकेशन को इंडिया में बैन कर दिया है। तो दोस्तों, आप सबके दिल में एक सवाल तो ज़रूर होगा कि ये ऐप्स की जगह पे कौन सी एप्लीकेशन इस्तेमाल करें। दोस्तों, हमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐप्स के बारे में बताने वाली हूँ जो इसकी प्लेस पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि इंडिया में बैन हो चुके हैं। तो दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि मैं जो आपको बताने वाली हूँ, ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जो इंडिया के हैं, ये हमारे लिए, और ये ऐप्स नॉन चाइनीज़ है। चलिए आपको बताते हैं कि आप इसके प्लेस पे कौन से एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिए, ताकि हमारी जो भी नई वीडियो हैं सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले फाइल ट्रांसफ़र ऐप के बारे में आपको बताऊंगी। जिस तरीके से हम शेयरिट और सेंडर फाइल ट्रांसफ़र इस्तेमाल करते थे, तो अब हम इसकी प्लेस पे फाइल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी कंपनी है, इसका इस्तेमाल हम फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए कर सकते हैं। शेयरिट को अनइंस्टॉल कर दीजिए। फाइल्स को बहुत ही सिक्योर और बेस्ट है और फ्री है। ये भी एक बाहर की कंपनी है, इंडिया की कंपनी नहीं है। और अगर आपको इंडिया का ऐप यूज़ करना है, तो आप एक और ऐप के ज़रिए फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसका नाम है जियो स्विच। जी हाँ दोस्तों, ये वाला ऐप भी आप फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ कर। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि एक ऐसा ऐप जिसकी मदद से आप बहुत कुछ इस्तेमाल करते थे, सॉन्ग्स, न्यूज़, जोक्स। तो दोस्तों, ये वाले ऐप को भी इंस्टॉल कर दीजिए। इसे छोड़कर और भी और ऐसे ब्राउज़र हैं जिसको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। इसमें से एक यूसी ब्राउज़र, डीयू ब्राउज़र, सीएम ब्राउज़र है। तो दोस्तों, इसकी जगह पे हम गूगल क्रोम एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और दो ऐसे ब्राउज़र हैं जो यूसी ब्राउज़र के प्लेस पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डकडकगो, फायरफॉक्स। जी हाँ दोस्तों, इसे भी आप यूसी ब्राउज़र की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगी यूसी न्यूज़। ये वाले ऐप से हम न्यूज़ का इस्तेमाल करते थे। ये वाला ऐप भी इंडिया का ऐप नहीं था, ये चाइनीज ऐप था। तो आप इसे भी अनइंस्टॉल कर दीजिए। इसकी प्लेस पे एक ऐसा ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं आप, जिसकी मदद से आप आसानी के साथ न्यूज़ पढ़ सकते हैं कोई भी लैंग्वेज के साथ, जिसका नाम है गूगल न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, इस ऐप के ज़रिए से आप न्यूज़ पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टिकटॉक की, जो कि बहुत ही पॉपुलर ऐप है। इसका इस्तेमाल बहुत से लोग करते हैं। ये वाले ऐप को भी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। इसका इस्तेमाल करोड़ों में होता था, अभी भी हम में से थोड़े लोग हैं जो इसका ऑल्टरनेट ढूंढ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस ऐप के जैसा कोई दूसरा इसको रिकवर नहीं कर सकता। हाँ, थोड़े बहुत इंडियन ऐप्स हैं, बट टिकटॉक की प्लेस से कम ही हैं। टिकटॉक का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा ऐप जिसकी मदद से वीडियो कॉलिंग और कॉन्फ्रेंस कॉलिंग आप कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग हैं जो काम के दौरान या बिजनेस के दौरान वीडियो कॉल या कॉन्फ्रेंस कॉल जिसको करना पड़ता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप इस ऐप की मदद से वीडियो कॉल, कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट टीम, स्काइप, गूगल मीट। जी हाँ दोस्तों, इसकी मदद से आप कॉलिंग कर सकते हैं। अगर आपको इंडियन ऐप्स चाहिए, तो मैं आपको ये भी बताती हूँ कि आप ये दो इंडियन ऐप्स की मदद से वीडियो कॉल या कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं। जियो मीट से नमस्ते, ये दोनों ऐप भी इंडियन ही हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी फ़ोन क्लीनर। जी हाँ दोस्तों, ये वाला ऐप भी बैन हो चुका है, इसको भी आप अनइंस्टॉल कर दीजिए, जो कि आप फाइल्स को क्लीन करने के लिए और स्टोरेज को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते थे, जिसका नाम है क्लीन मास्टर। अगर आपको स्टोरेज बढ़ाने के लिए या फिर फाइल्स को क्लीन करने के लिए कोई ऐप यूज़ करना है, तो आप सीसी क्लीनर इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे भी आप स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं, फाइल्स को क्लीन कर सकते हैं आसानी के साथ। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी वीडियो एडिटिंग ऐप के बारे में, जो इंडिया में बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं वीडियोज़ को एडिट करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, वीवा वीडियो, ये भी एक
चाइना का ऐप है, ये भी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। इसकी जगह पे दोस्तों ऐसे ऐप्स हैं जिसको आप वीडियो एडिटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इन शॉर्ट काइन मास्टर। जी हाँ दोस्तों, आप इस ऐप के इस्तेमाल से एडिटिंग वीडियोस कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको बताऊंगी स्कैनर ऐप के बारे में, CS कैम स्कैनर। ये वाला ऐप भी चाइनीज ऐप है, इसको भी आप अनइंस्टॉल कर दीजिए। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करना हो तो आप इसके प्लेस पे एडोबे स्कैन से आप स्कैन कर सकते हैं। इसकी कंपनी बहुत बड़ी है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगी एक ऐसे ऐप जिसकी मदद से आप शॉपिंग कर सकते थे, क्लब फैक्ट्री। जी हाँ दोस्तों, क्लब फैक्ट्री, यहाँ से आपने कभी ना कभी शॉपिंग की होगी। तो दोस्तों आप इसे भी अनइंस्टॉल कर दीजिए। अगर आप इसकी प्लेस पे कोई दूसरा अल्टरनेटिव ऐप यूज़ करना चाहते हैं तो आप अमेजोन, मिंत्रा या फ्लिपकार्ट जैसे ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपको आसानी से शॉपिंग हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसके जो ये जो ऐप्स बैन हुए हैं इसकी प्लेस पे आप ये ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होंगे कि आप ये ऐप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सकते हैं।